Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Android app development course. And in the last video, हमने ये observe किया था कि हमारी जो application है, जैसे हम लोग थोड़ा सा swipe करने का try कर रहे थे, at that time fragments change हो रहे थे. So सबसे पहले हम ये check करेंगे कि हम view page 2 के अंदर swiping fragments को off कैसे कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट मैं नहीं चाहता हर बार www.google.com ही लोड हो, जो भी URL यूजर प्रोवाइड करे वो लोड होना चाहिए. सो हम इसे भी फिक्स करेंगे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो हमारे पहले ऑब्जेक्टिव पे आते हैं. सो वो काफ़ी सिंपल है, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो सिंपली हियर व्यू पेजर टू सेट होने के बाद बाइंडिंग डॉट माई पेजर डॉट User input enabled, so is user input enabled is equal to, मैं इसे false कर दूंगा. So now left and right swipe करने पर वो change नहीं होगे. Now अगर वो change नहीं होगे तो हमारा fragment कैसे change होगा, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा. और मैं अभी by default ये fragment add करके नहीं रखूँगा, browse fragment, इसे हम लोग manually add करेंगे. So मैं इसे यहाँ से cut कर रहा हूँ. एंड नाउ वॉट वी वॉन्ट इज जब यूज़र जो है, नाउ पहले मूव करते हैं हमारे होम फ्रेगमेंट पे. सो इस UI पे जब इस सर्च व्यू के अंदर यूज़र कुछ टाइप करे, सो एट दैट टाइम जब वो एंटर हिट करे, सो हम जो है इस होम फ्रेगमेंट से ब्राउज फ्रेगमेंट पे शिफ्ट होने चाहिए. मैं सिंपली इतना चाहता हूँ. सो फॉर दैट हमारे होम फ्रेगमेंट में आ जाते हैं. इस सर्च व्यू के जो ID है उसके ऊपर अनसबमिट लिस्टनर सेट करते हैं. सो मैं वो काम जो है हमारे ऑन रिज्यूम के अंदर करने वाला हूँ. अब आप सोचोगे हम ये ऑन क्रिएट में भी कर सकते हैं, बट ऑन रिज्यूम में करना एक बेहतर हैबिट है, क्योंकि जितनी भी बार फ्रेगमेंट्स चेंज होगे ऑन रिज्यूम कॉल होगा और हर बार हमें ये श्योरिटी होगी कि हमारा सर्च व्यू इनिशियलाइज हो चुका है. सो सिंपली हियर मैं वो वर्क करने वाला हूँ. सो हियर बाइंडिंग डॉट, एंड हमने अब तक उसे कोई ID प्रोवाइड करके नहीं दिए. सो एक ID प्रोवाइड कर देते सर्च व्यू को. सो ID एंड विच विल बी सर्च व्यू. And now let's move to our home fragments and इसके साथ work करते. So search view dot set on query and here query text listener. So इसके अंदर हमें query text listener pass करना पड़ेगा. सो अगर आप जावा यूज़ कर रहे होते तो आप यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड पास करते. सिंस इट इज़ कॉटलिन हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा. सो ऑब्जेक्ट कोलन एंड यहाँ पे हमें एक सर्च व्यू डॉट ऑन क्वेरी लिस्नर पास करना पड़ेगा. सो सर्च व्यू, सो आपने जो भी सर्च व्यू यूज़ किया, इन आर केस इट इज़ android.widget. अगर आपने ऐप कॉम्पैक्ट वाला यूज़ किया होता तो आप वो सेट करते. सो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये android.widget का ही सर्च व्यू है. सो सर्च व्यू एंड सिंपली दिस android.widget डॉट एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे. सो ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिस्नर हमें इसे सेट करना है. एंड मैं इसके यहाँ पे दो कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा एंड ये हमें सजेस्ट करेगा कि आपको कुछ मेथड ओवरराइड करने चाहिए. सो सिंपली इम्प्लीमेंट मेम्बर्स एंड कंट्रोल ए एंड ओके. एंड सबसे पहले ये ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं. सो ये तब कॉल होता है जब यूज़र सर्च व्यू के अंदर कुछ टाइप करना शुरू होता है. ये हर बार कॉल होता है जब यूज़र एक नया कैरेक्टर ऐड करता है, रिमूव करता है. इन आर केस हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. सो मैं इसे इज इक्वल टू फॉल्स सेट कर रहा हूँ, विच मीन्स हमने इसे हैंडल नहीं किया है. जो भी एंड्रॉयड की बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो इसे हैंडल कर ले. एंड आफ्टर दैट हियर ये वाले मेथड के साथ हमें वर्क है एंड ये हमें कुछ URL प्रोवाइड करके देगा. सो मैं इसे ज़्यादा रेलिवेंट नेम दे रहा हूँ, URL या लेट्स से रिजल्ट. एंड ये जो भी हमें सबमिट करने पे रिजल्ट प्रोवाइड करके दे, इसके हिसाब से हमें टैब्स चेंज करने हैं. एंड पहले हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा. सो रिटर्न ट्रू, क्योंकि हम इसे हैंडल कर रहे इसलिए मैं कह रहा हूँ रिटर्न ट्रू कर दो. एंड आफ्टर दैट इन दिस बिटवीन हम चाहते हैं टैब्स चेंज होने चाहिए जो भी रिजल्ट आए उस हिसाब से. सो सबसे पहले मैं हमारी मेन एक्टिविटी में एक फंक्शन बनाऊंगा जो हमारे लिए टैब्स चेंज करने का काम करेगा. सो सिंपली हियर फन एंड चेंज टैब. अब इस फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट्स क्या चाहिए, इस फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट सबसे पहले एक URL चाहिए और वो एक स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें वो एक फ्रेगमेंट पास करना पड़ेगा. सो फ्रेगमेंट एंड वो कोई भी टाइप का चलेगा. सो इसे मैं ग्लोबली फ्रेगमेंट टाइप का ही रख रहा हूँ. अब ये फंक्शन करेगा क्या, सबसे पहले ये हमारी जो टैब्स लिस्ट है अबव उसके अंदर एक फ्रेगमेंट ऐड करेगा जो भी यूज़र ने पास किया है. सिंपली फ्रेगमेंट. सो फ्रेगमेंट एंड आफ्टर दैट हमें हमारी टैब्स लिस्ट या जो हमारा अडैप्टर है उसे नोटिफाई करना पड़ेगा कि उसका जो डेटा सेट है वो एक्चुअली चेंज हो चुका है.
So for that, we can simply do it like this, binding dot mypager dot adapter, जो भी mypager का adapter है, and dot notify dataset change. So अभी हमें एक वार्निंग दे रहा है कि आपको नोटिफाई डेटा सेट चेंज कॉल नहीं करना चाहिए अगर आपकी लिस्ट बड़ी है तो. जनरली हमारे टैब्स कम ही होने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र एट अ टाइम 10 टैब्स का यूज़ कर सकता है. सो फॉर दैट कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस इश्यूज़ नहीं होगी. सो मैं इसे सप्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक और वार्निंग है कि आपको नल सेफ इसे कॉल करना चाहिए. सो यहाँ पे सिंस हमें पता है कि अडैप्टर इनिशियलाइज ऑलरेडी हो चुका होगा ये माई पेजर टू सेट होने से पहले, क्योंकि हम इसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं अडैप्टर को. सो फॉर दैट मैं यहाँ पे चाहूँ तो दो एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी यूज़ कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर सकता हूँ जो ये बताता है कि ये नल भी होगा तो भी हमें चलेगा, जनरली नल नहीं होने वाला है. सो फॉर नाउ इससे हमारा वर्क हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें टैब भी चेंज करना है. सो हमें इस व्यू पेजर के साथ काम करना पड़ेगा. सो माई पेजर डॉट करंट आइटम. सो करंट आइटम जो है वो करंट टैब को रिप्रेजेंट करती है. सो करंट टैब या करंट आइटम इज इक्वल टू टैब्स लिस्ट डॉट साइज माइनस वन. नाउ यू माइट वंडर ये क्या है, विच मीन्स जो भी हमारे टैब लिस्ट की साइज है, जनरली साइज, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर दो आइटम्स ऐड है तो टैब्स लिस्ट की साइज 2 होगी. माइनस वन का मतलब है जो फर्स्ट इंडेक्स पे रखी गई आइटम है उसे सेट कर दो, क्योंकि एरेस के इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है. सो 0 और 1 दो आइटम्स, एंड जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे उसे सेट कर दो लाइक दैट. सो एक सिंपल सा लॉजिक है जो भी लास्ट टैब ऐड हुआ है उस पर शिफ्ट करने के लिए. नाउ हमें सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है, चेंज टैब को, हमारे ब्राउज फ्रेगमेंट के अंदर या होम फ्रेगमेंट के अंदर, और हमारे लिए टैब्स भी चेंज कर देगा. नाउ हाउ वी कैन एक्सेस डैट. सो एक्चुअली हमें हमारी मेन एक्टिविटी की रेफरेंस यहाँ पे लेनी पड़ेगी. सो हाउ वी कैन डू डैट. सो यहाँ पे मैं सबसे पहले रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट को कॉल करूँगा, या रिक्वायर एक्टिविटी एंड एज मेन एक्टिविटी. सो जो भी हमें एक्टिविटी प्रोवाइड करके देंगे, जनरली एक्टिविटी मेन एक्टिविटी होने वाली है क्योंकि फ्रैगमेंट उसी के ऊपर कॉल हुआ है. सो रिक्वायर एक्टिविटी डॉट मेन एक्टिविटी डॉट, एंड सिंपली वी कैन कॉल चेंज टैब. इसे हम लोग हमारे मेन एक्टिविटी के फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं. सो हियर हमें पहले वो रिजल्ट पास करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक फ्रैगमेंट पास करना पड़ेगा जो होगा ब्राउज फ्रैगमेंट, एंड हमें ऐसे पैरेंथेसिस के साथ कॉल करना पड़ेगा. नाउ ये एक रिजल्ट नल्स नलेबल स्ट्रिंग है. सो मुझे पता है ये नल नहीं होने वाली. सो मैं डायरेक्टली दो एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ कर रहा हूँ इसे पास करने के लिए. नाउ वन मोर थिंग, ये सब चीज़ें तो ठीक है, हमारे ब्राउज फ्रेगमेंट को कैसे पता चलेगा कौन सा URL लोड करना है उसे. सो फॉर दैट मैं हमारे ब्राउज फ्रेगमेंट को क्रिएट करते साइन उसके लिए कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने वाला हूँ यहाँ पे सिंपली. सो हियर एंड मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बताऊंगा, सो प्राइवेट, एंड वो होगा एक URL. सो उसे मैं वैर रख रहा हूँ, प्राइवेट वैर URL, एंड विच विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. सो जब भी आप ब्राउज फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ आपको एक URL भेजना पड़ेगा, एंड ये जो भी URL होगा ये यहाँ पे कॉल होने वाला है. सो मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे सिंपली इस URL को पास कर देता हूँ जो भी ऊपर से यूज़र पास कर रहा है. एंड नाउ ये एक वार्निंग प्रोवाइड कर रहा है कि URL नल हो सकता है. अभी ये नल कैसे हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे नल डिफाइन किया ही नहीं है. लेट्स से मैं इसका नाम चेंज करके देखता हूँ एक बार. सो लेट्स से न्यू, सो न्यू URL यहाँ पे ऐसा समथिंग मैं इसका नेम रख रहा हूँ जस्ट फॉर अ कन्वेंशन. सो सिंपली हियर URL न्यू, एंड दिस टाइम ये परफेक्ट वर्क कर रहा है. एंड ये जो सारे कोड्स हैं मैं अगेन ऑन रिज्यूम में पेस्ट करने वाला हूँ. सो मैं इसे यहाँ से कट कर रहा हूँ, एंड मैं इसे ऑन रिज्यूम में पेस्ट करने वाला हूँ. अगेन द सेम रीज़न, क्योंकि एप्लीकेशन बार बार फ्रेगमेंट्स चेंज करेगी. सो ये हो सकता है कि कभी कभार व्यूज प्रॉपरली इनिशियलाइज ना हो. सो इसलिए ऑन रिज्यूम के अंदर उन्हें पेस्ट करना एक अच्छी हैबिट है. सो ऑन रिज्यूम, एंड उसके अंदर मैं इन कोर्स को पेस्ट कर रहा हूँ. एंड अगेन ये जावास्क्रिप्ट अनेबल वाले एरर, सो मैं इसे यहाँ से कट कर रहा हूँ, एंड मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा. एंड नाउ आई नो मैंने थोड़े से ज़्यादा वर्क किए है. सो हमने सबसे पहले हमारे होम फ्रेगमेंट के अंदर ये जो हमारा सर्च व्यू था इसके ऊपर एक लिस्नर सेट किया, और यहाँ पे मुझे एक एरर भी दिख रही है कि आपने ब्राउज फ्रेगमेंट के अंदर कोई URL पास नहीं किया है, उसे एक URL की ज़रूरत है. सो ये जो भी रिजल्ट हो ये भी यहाँ पे पास हो जाए तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ. सो ये हमें कह रहा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले ही यूज़ कर लिया. सो लेट्स रिमूव इट. सो सबसे पहले हमने एक सर्च व्यू सेट किया, एंड उसके अंदर ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट लिस्नर सेट किया. जब भी यूज़र सबमिट पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए. एंड आफ्टर दैट
हमने एक चेंज टैब नाम का फंक्शन क्रिएट किया जो सबसे पहले टैब ऐड करता है, फिर हमारे माई पेजर को बताता है कि डेटा चेंज हो चुका है, एंड फाइनली माई पेजर की हेल्प से वो टैब शिफ्ट करता है। एंड आफ्टर दैट हमने होम फ्रेगमेंट के अंदर एक URL नाम की फील्ड बनाई है ऊपर, एंड ये जो URL नाम की फील्ड है ये यहाँ पे कॉल होती है लोड URL के अंदर। सो नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड टेस्ट दिस। नाउ फाइनली Gradle इज बिल्ट एंड ऐप इज इंस्टॉल्ड, एंड नाउ मैं हमारे सर्च व्यू के अंदर कुछ सर्च करने वाला हूँ, लेट्स से google.com। सो सिंपली हिट एंटर एंड यहाँ पे कुछ एरर है, वेब पेज नॉट फाउंड, गूगल नॉट एरर नेम, ओके मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। सो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम ये भी चेक करेंगे कि हम इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं कि इंटरनेट। एंड वन मोर थिंग, हमारी एप्लीकेशन डायरेक्टली क्लोज हो गई, ओके सो मैं इस पर फिलहाल एंटर हिट करता हूँ, लेट्स से विथ इंटरनेट एंड ओके, एंड लेट्स चेक करते हैं, ओके गूगल लोड हो रहा है। एंड नाउ अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ देन एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है, हम होम फ्रेगमेंट पे मूव ही नहीं करते। एंड नाउ मैं हमारी एप्लीकेशन को एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ एंड दिस टाइम कोई दूसरा URL सर्च करता हूँ, लेट्स से यूट्यूब। सो youtube.com हमें डालना पड़ेगा फॉर नाउ, सो लेट्स हिट एंटर एंड यूट्यूब लोड हो रहा है विच मीन्स हमारा सर्च व्यू वर्क कर रहा है। सो नाउ अब यहाँ कुछ इश्यूज है। फर्स्ट मैं नहीं चाहता इंटरनेट के लिए वो वियर्ड से एरर शो हो, मैं एक टोस्ट मैसेज या कुछ स्नैक बार शो कराना चाहता हूँ जो यूज़र को बोलेगा आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो। एंड अनदर थिंग, मैं नहीं चाहता बैक बटन प्रेस होने पे पूरी एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, मैं चाहता हूँ जो भी लास्ट फ्रेगमेंट ऐड हुआ है उसके ऊपर एप्लीकेशन मूव हो जाए। सो इन दोनों इश्यूज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।